hello and welcome to another lecture today we are going to have discussion on assertion before that we have discussed in our previous lecture we have discussed sentence stress before that we have discussed word stress and these two lectures we have complete our stress portion now it is the time to have discussion on assertion so let us continue, my dear students. Assertion is a speech act that expresses an attitude of the speaker and also adds information to a conversation. Some linguistics and grammarians believe that assertion is at the center of the philosophy of language. The philosophy of language gives a special place to Assertion because of its functional use in speech acts. There are three main speech acts in Assertion Locationary Act, locationary Act and Prelocationary Act. Sure. So till

स्पीकर का एक एटीट्यूड होता है बोलने का अंदाज जो है उसको एक्सप्रेस करती है कौन एसर्शन और यह उसके साथ एड करता है क्या करता है मोर ऑफ़ कन्वर्सेशन जो भी उसकी इंफॉर्मेशन है टू ए कन्वर्सेशन जो वो कन्वर्स कर रहा है तो वो उसमें इंफॉर्मेशन दे रहा है कुछ लिंग्विस्ट का कहना है और कुछ ग्रामरियनस उन सब का ये बिलीव है ये जो एसोर्शन है ये सेंटर इज अ सेंटर ऑफ द फिलोसफी ऑफ लैंग्वेज लैंग्वेज के सेंटर में है मीन इज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन लैंग्वेज एसोर्शन एसोर्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट इज द सेंटर पॉइंट ऑफ लैंग्वेज द फिलासफी ऑफ लैंग्वेज ये जो लैंग्वेज है इसकी फिलासफी क्या दे रही है इस एसरशन को ये स्पेशल प्लेस दे रही है एक जगह दे रही है क्यों क्यों इसको जगह मिल रही है एक स्पेशल जगह क्योंकि इसकी फंक्शन ही कुछ ऐसी होती है ये फंक्शनल होता है यूजेज में इस स्पीच में एक अहम रोल अदा करता है कौन एसर्शन इसलिए इसे एक अच्छी प्लेस मिल जाती है तीन एक ये स्पीच एक्ट्स थ्री है थ्री टाइप्स ऑफ स्पीच एक्ट्स आर देयर, तीन प्रकार के स्पीच एक्ट्स है तीन एक तो है लोकेशनरी जो हम सीधी सादी और अच्छे तरीके से बात करते हो गया लोकेशनरी टॉक लोकेशनरी एक्ट दूसरा है एलोकेशनरी एक्ट एलोकाशनरी या इलोकुशनरी, तो यहां जैसे आप इसका प्रोनाउंस निकालोगे लेकिन है ये इलोकेशनरी एलोकेशनरी एक्ट गैर मुद्दी तौर बात जो आप करते हो गैर मुंतकी तौर जब या जा हम ये कहेंगे बदनवाने वाली बात जिसके जिसमें आर्ग्यूमेंट ज्यादा हो एंड प्रोकेशनरी बात जिसमें ताल्लुक हो एक आप अच्छे से बात कर रहे हो गया लोकेशनरी जो आपकी बात है दूसरा आप वो वो बात कर रहे हो जो बदनवानी फैलाई आर्ग्यूमेंट इस करोगी तीसरा हमारा बात करने का तरीका ये है कि इसमें हमारा ताल्लुक जुड़ता है किन से ये सब ऑडियंस के साथ होता है आप बात करते हो तो आपके सामने ऑडियंस हैं ये तीनों चीज़ें उनके साथ है ये तीनों चीज़ें कहाँ हैं ये जो हम बात करते हैं उसी में ये तीन चीज़ें हैं हमारे बात करने में असर्शन जो हम असर्टन कर रहे हैं मान रहे हैं बता रहे हैं उसमें तीन प्रकार के एक्टर्स हैं स्पीच एक्टर्स हैं तो पहला हम डिस्कस करेंगे लोकेशनरी ये क्या है ये लोकेशन लोकेशनरी एक्ट क्या है ये वेन वी से समथिंग इन फुल नॉर्मल सेंस जब हम कुछ कहेंगे फुल नॉर्मल सेंस एक अच्छे तरीके से क्या करेंगे कीपिंग व्यू अप्रोप्रेट अटर ऑफ सर्टन वर्ड्स और हम जेर गोर जहन नशीन ये कर लें जो हम बता रहे अटरेंस हो गया कहना कुछ वर्ड्स सर्टन वर्ड्स जो हम कुछ कह रहे हैं किस तरीके से क्योंकि हमारे जहन में उसकी प्रॉपर मीनिंग होती है ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर होता ग्रामेटिकल करेक्टनेस होती है तो मीनस जो हम नॉर्मल बात करते हैं अच्छे तरीके से बात करते हैं उसको हम लुकूश है लो लकोशनरी एक्ट कहते हैं लू कोशनरी लोकेशनरी एक्ट कहते हैं किसको जो हम अब सीधी नॉर्मल एक अच्छी बात करते हैं लोकेशनरी एक्ट में आ जाती है तो या स्पीच एक्ट के ती, जो तीन थ्री टाइप्स ऑफ स्पीच एक्ट अमंग टाइप्स देयर वन इज लोकेशनरी एक्ट तो इट इज अटाइल ऑफ यूजिंग वर्ड्स

ऐसे समझा सकते हैं जिसको क्वेश्चन करने की कोई जरूरत नहीं है हाँ आई लाइक मैंगोज मुझे मैंगोज पसंद है अरे भाई मैंगोज पसंद है तो इसमें क्या क्वेश्चन है क्यों पसंद है शी प्लेज चेस वो चेस खेल रहे हैं और इसमें मीनिंग भी कंप्लीट है ही इज राइटिंग वो लिख रहे हैं राम ईट्स एटसेट्रा वो राम एप्पल सेब खा रहे हैं तो ये हमारा लुकशनरी एक्ट है तो वो बात जो हम अच्छे तरीके से एक नॉर्मल वे आउट में एक नॉर्मल सेंस में जब बात करेंगे अप्रोप्रेट बातें जब हम करेंगे तो वो हो गया हमारा लोकेशनरी एक्ट इन एसर्शन एंड सेकंड वन इज सेकंड वन हमारा है इलोकेशनरी एक्ट और इलोकेशनरी एक्ट हो गया वो जिसमें हमारे आर्ग्यूमेंट बनते हैं जिसमें हमारे क्वेश्चन आ जाते हैं इलोकेशनरी एक्ट क्या है इज मेनली एसोसिएटेड विद एसर्टिंग और ये किस चीज से जुड़ा हुआ है असर्टन करता है असर्टन कहना आस्किंग ए क्वेश्चन सवाल पूछता है वार्निंग्स दे देते हैं थ्रेटनिंग कभी देता है कभी अनाउंसिंग करता है कोई फैसला वेर हो गया फैसले किसी फैसले का सबूत देना है किसी का फैसला करना एक्सप्रेसिंग आर मेकिंग अ विश कभी कभार एक्सप्रेशन देना कभी कभार विश के बारे में कभी कभार रिक्वेस्ट होता है तो एलोकेशनरी एक्ट जो है हम ये कह सकते हैं ये 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 सडन सडन फीलिंग्स के बारे में बताता है या हमारे एक्सप्रेशंस के बारे में इसमें से बात होती है ये ये हम ऐसे समझेंगे जब एक्सप्रेशंस वाली बात होंगे जब सडन फीलिंग्स वाले बातें होंगी तो हम खुद कहेंगे ये इलोकेशनरी एक्ट स्पीच एक्ट है ये कौन सा एक्ट है ये इलोकेशनरी स्पीच एक्ट है उसके बाद में है हमारे पास एक्ट exactly और क्या होता है इसमें एन ऑर्डर होता है कभी ऑर्डर किया जाता है कभी एक अपॉइंटमेंट के बारे में बोला जाता है इसमें इन दिस स्पीच एक्ट टू टेक्निकल टर्म्स दो इस दो प्रकार के तरीके दो टेक्निकल टर्म्स इसमें यूज होते हैं किसमें एलोकेशनरी एक्ट में एलोकेशनरी एक्ट में दो प्रकार के और मीन टू सब पॉइंटो देर इन एलोकेशनरी स्पीच एक्ट द फर्स्ट वन इज इंट्रोगेटिव एंड एसोटिव तो जिसको अभी मैंने कहा कि ये आर्ग्यू कर सकता है इसमें क्वेश्चन आ जाते हैं इसमें आर्डर आ जाता है इसमें कुछ एसोटिव पॉइंट आ जाते हैं इंट्रोगेटिव हो गया वो जहां पे आपको नेगेटिविटी मिल रही है एसोटिव हो गया वो जहाँ आपको कंप्लीट बात मिल रही है जहाँ आपको एसर्शन मिल रही है जहाँ आपको यकीन दहानी मिल रही जहाँ आपको कंप्लीट मीनिंग मिल रही है तो इंट्रोगेटिव फोर्स में क्या है वेन ए स्पीकर आस्क से क्वेश्चन जब एक स्पीकर स्पीकर कौन है हमारा जो पब्लिक स्पीकर है हमारा मैं हूँ आप अगर किसी जगह बोल रहे हैं तो आप हैं स्पीकर तो ये उस स्पीकर के बारे में बोल रहे हैं क्यों क्योंकि वो जो बता रहा है उसी में असल में उसको ना यहां पर द अटर इज इन इंट्रोगेटिव फोर्स तो जब वो बातें करते हैं इस वाले एक्ट में जब एक स्पीकर बात करता है तो हमें ऑटोमेटिकली पता चल जाता है ये एलोकेशनरी एक्ट स्पीच एक्ट है कि प्रेलोकेशनरी एक्ट स्पीच एक्ट है कि लोकेशनरी एक्ट है फिलहाल हमारा एलोकेशनरी लोकेशनरी हो गया जिसमें हमारा ऐसी बात नॉर्मल सी बात होती है जिसमें ज़्यादा क्वेश्चन जिसमें क्वेश्चन ना हो जो ऑटोमेटिकली बात जो ऑटोमेटिकली समझ आ गई हो और उसको फिर क्वेश्चन करने की ज़रूरत नहीं है मे बी अगर टीचर खुद क्वेश्चन करे तो उसका उस, उसे उसका आंसर खुद को पता होता है तो आप यहाँ खुद इस चीज़ के इस चीज़ के जरिए आप खुद कैटेगराइज कर सकते हो आपके जो टीचर हैं या आपके जो प्रोफेसर हैं या जो भी है जो आपको पढ़ाता है या जो भी आपका पब्लिक स्पीकर है तो आप इसको खुद किसी एक कैटेगरी में फॉल करोगे या तो ये लोकेशनरी स्पीच एक्ट बोलता है या ये इलोकेशनरी स्पीच एक्ट्स करता है या ये प्रे लोकेशनरी स्पीच एक्ट्स करता है जैसे अगर ये लोकेशनरी स्पीच एक्ट्स करता है तो इसका मतलब जब आपको लेक्चरर पढ़ा रहा है तो वो ऐसी कोई बात नहीं छोड़ता जो आपको समझ ना आए इसलिए आपके पास फिर क्वेश्चन नहीं बचते हैं पूछने के लिए जब सारे कन्फ्यूजन दूर हो जाते हैं तो वो हम कहेंगे वो वाला एक्ट जो टीचर ने अपनाया था द टीचर विच एक्ट ही हैड अप्लाइड टू हिज टॉक ही अप्लाइड वी कैन से दैट ही अप्लाइड लोकेशनरी स्पीच एक्ट नाउ अब कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं अब कुछ क्वेश्चनज आ जाते हैं कुछ आर्ग्यूमेंट्स आ जाते हैं कुछ एसोर्टिव टेंसेज सेंटेंसेज आ जाते हैं कुछ एसोर्टिव इंट्रागेटिव फोर्स आ जाते हैं तो वहाँ हम ये कंसिडर करेंगे उसको ये इस कैटेगरीज में कर लेंगे कि भाई ये एलोकेशनरी स्पीच एक्ट यूज़ कर रहे हैं तो तभी हमारे इस एलोकेशनरी स्पीच एक्ट में हमारा इंट्रागेटिव एंड एसोर्टिव है तो यहाँ पर हमने क्या करना है इंट्रागेटिव फोर्स हो गया जब हमें कुछ क्वेश्चन आ जाए क्वेश्चन बताए जाए क्वेश्चन पूछे जाए जब कोई स्पीकर बोल रहा हो एसोटिव में क्या है स्पीकर मेक्स एन जब वो ये बातें यकीन दहानी बयान में क्या, कि कौन से point देखो, जब वो ये ऐसे क्वेश्चन इस इसमें आप हर रोज क्यों आते हो वट वाज द रीजन ऑफ योर एबसेंस फ्रॉम कॉलेज कौन सी रीजन बनी कि आप कॉलेज में काले से एबसेंट थे आपकी एबसेंस ही थी इज देर एनी सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम कोई सोल्यूशन है आपके प्रॉब्लम को गो एंड ब्रिंग गिलास ऑफ वाटर आप जाइए और एक गिलास पानी लाइएगा काइंडली एक्सेप्ट माई प्रपोजल आई वैद द प्राइम मिनिस्टर ऑफ दिस कंट्री ये इंड्रागेटिव इंट्रागेटिव इंट्रागेटिव एसर्टिव एसर्टिव एक्सक्लेमेटरी ओके अब ये भी

इसके टेक्निकल टर्म इसने इसमें अपॉइंटमेंट के बारे में इसमें जो भी है तो ये हमारे किस कैटेगरी में, में आते हैं ये हमारे एलोकेशनरी कैटेगरी में आते हैं एलोकेशनरी स्पीच डज नॉट डिपेंड ऑन द लिसनर्स रेस्पॉन्स और रिएक्शन तो ये जो एलोकेशनरी ये किस पे डिपेंड नहीं करता ये डिपेंड लिसनर पे नहीं करता लिसनर कौन आप ये इस पर डिपेंड नहीं करता क्यों ना इसके इनके रिएक्शन पे डिपेंड करता? करता है ये किस चीज पे डिपेंड करता है लिसनर्स अवियरनेस एंड अंडरस्टैंड ये इस चीज पर डिपेंड करता है वो कितना अवेयर है और कितना सुन रहे हैं कितना अंडरस्टैंड कर रहे है? आपकी रेस्पॉन्स क्या मिल रही है वो चीज का कोई मामला नहीं है मामला अगर इस चीज का है तो वो मामला यह है आप लोग कितने अवेयर है और आप कितना अंडरस्टैंड कर रहे हो यह हो गया हमारा एलोकेशनरी e अब है हमारे पास प्री लोकेशनरी एक्ट अब डिस्कशन के लिए बचा प्री लोकेशनरी एक्ट द प्री लोकेशनरी एक्ट इज मेड ऑन द बेसिस ऑफ क्वेश्चन एंड असर्स मेड बाय द स्पीकर इन एलोकेशनरी एक्ट और प्री लोकेशनरी एक्ट में क्या है जब ताल्लुक बनाए जाएंगे जब एक मुद्दी जब एक बात कहने वाला उसने सही बात की उसके बाद में उसने कुछ एम्बिग्यूटी रखी कुछ क्वेश्चन रखे कुछ ऑर्डर कुछ रिक्वेस्ट की कुछ कमांड्स दे दिए कुछ ऑर्डर दे दिए उन ऑर्डर्स के रेस्पॉन्स में जो आप बात करोगे वो होता है प्रिलोकेशनरी एक्ट प्रिलोकेशनरी एक्ट जब उन कोश्चन और बताए हुए लफ्ज़ों के आप में क्या बोलने की फिर क्या कहते हैं उसको एक एक सोलूशन के तौर से या इन क्वेश्चन को आंसर के तौर पर आप बताओगे या जो स्पीकर ने वो बोले थे प्रिलोकेशनरी एक्ट इज़ मेड ऑन द बेसिस ऑफ किस चीज़ के बुनियाद पर ये बना जाता है प्रिलोकेशनरी एक्ट ये क्वेश्चन के बुनियाद पे बन रहा है और एसोर्शन जो इस स्पीकर करने एसोटन किया था दिस स्पीच एक्ट इज एंटरली कनेक्टेड विद द प्रीवियस वन ये ये कनेक्ट किस से है प्रीवियस वन हमारा प्रीवियस वन था एर, एर एलोके, एलोकेशनरी है एलोकेशनरी लोकेशनरी एलोकेशनरी एंड प्र लोकेशनरी तो हमारे पास अब पर क्या है ये एलोकेशनरी के बाद वाला पोर्शन है तो यहां पर क्या है ये कनेक्टेड किससे होता है ये प्रीवियस से होता है पर लोकेशनरी प्रीवियस से होता है तो प्रीवियस हमारा एलोकेशनरी स्पीजेक्ट है इट डिपेंड्स ऑन द लिसनर्स रेस्पॉन्स एंड रिएक्शन और ये डिपेंड करता है परलोकेशनरी मेथड लिसनर के रेस्पॉन्स पे और लिसनर के रिएक्शन पे इन पे रेस्पॉन्ड नहीं करता है इन पे डिपेंड नहीं करता है परलोकेशनरी इन ही दो पे डिपेंड करता है बाई मीनस ऑफ आर्ग्यूइंग द स्पीकर मे कन्वेंस द लिस्नर अब जो सुपीकर है अगर वो आर्ग्यू करता है उसको कन्वेंस भी करने पड़ते लिस्नर को बाय मीनस ऑफ वार्निंग द स्पीकर अगर स्पीकर की वार्निंग है वार्निंग द स्पीकर मे फ्राइट इन द लिस्नर अगर ये वार्निंग करता है तो ये उनको यहां खोफ जदा भी करता है अगर ये आर्ग्यू करता है तो इसे कन्विन्स भी करना है इन दीज एग्जाम्पल कन्विंसिंग एंड फ्राइटनिंग आर लोकेशनरी एक्ट ये कन्वेंसिंग और फ्राइटनिंग ये दो लफ जो हैं कन्विन्स करना और खूब ज्यादा करना ये पर लोकेशनरी एक्ट है देयर फो कीपिंग इन व्यू द अबाउट डिस्कशन ये जो हमने डिस्कशन किया हम ये कह सकते हैं वी कैन सिंपली कोट द आइडियाज ऑफ टू ग्रेट लिंग्विस्ट ये डिस्कशन जो हमने अभी की इसको जेरे गोर रखकर हम क्या करेंगे हम दो फिलॉसफर्स की या दो लिंग्विस्टिक्स की बातों को यहां देख लेंगे उन्होंने क्या कहा है? उनकी क्या बात है एसर्ट ऑनली आप तभी बोलेंगे एसर्ट ऑनली आप तभी बोलेंगे वट यू या वही बोलेंगे जो ऐसा करोगे क्या आप किस चीज का बोलोगे हक जताना किसी चीज के बारे में असोटन करना असोटन मीनस मैं कह रहा था कि बताना लेकिन बताएगा इंसान वही जिस चीज का वो क्या जानता हो उसका हक जानता हो एसोटन करना फॉर एग्जाम्पल किसी चीज की हक दहानी करना किसी चीज को दावे से कहना किसी चीज को सही तरीके में कहना मीनस कि कहना एसर्ट टू बी ट्रू किसी चीज़ को यकीन दहानी के साथ कहना और यकीन दहानी के साथ हमारे इस कहने में पहले आ जाता है हम जब यकीन दहानी के साथ पहले कहते हैं तो वो हमारा लोकेशनरी है अब जब उसमें कुछ आर्ग्यूमेंट्स आ जाते हैं तो वो एलोकेशनरी है उन आर्ग्यूमेंट्स के रेस्पांस में जो हमारे पास स्पीच एक्ट आता है वो हमारा पर लोकेशनरी एक्ट है और परलोकेशनरी एक्ट के बाद हमसे ये बात बताई जा रही है डिस्कशन डिस्कशन को कन्वेंस, इस को इस कंक्लूजन में करने के लिए आपको दो लिंग्विस्टिक्स की बातें यहाँ याद जहन याद या याद या, या, दहानी करानी है तो क्या है एसोटॉनली आप तभी तभी आप हक जताओगे तभी आप बोलोगे या वही चीज आप बताओगे वही चीज को आप दोगे वट यू बिलीव यू बिलीव विद जस्टिफिकेशन जो जिस चीज को आप भरोसा जिस चीज पे आपका भरोसा भी है और उसकी जस्टिफिकेशन भी कर सकते हो मानो कि आप अगर बात कर रहे हो मेरे सामने किसी और के सामने तो जो बात आप कर रहे हो आपको वो जस्टिफाई करने भी आनी चाहिए आपको वो चीज जब बताओगे कन्वेंस जिसको बताओगे वो कन्वेंस करना भी आना चाहिए तभी ठीक है इसीलिए आपको कह रहे हैं तभी बताओ या वही चीज बताओ उसी चीज का हक जताओ जिस पे आप भरोसा भी करते हो और और वो चीज का आप जस्टिफिकेशन भी दे दोगे दूसरा वट इज एस्टमिकली सर्टन वही बताओ जो यकीन दिखानी के साथ जो यकीन जो अमली तौर पर सही तो आप उसी चीज की यकीन दहानी करो जो चीज अमली तौर पर सही इपिस अमली तौर पर अमली अमली तौर पर जो सही तौर तरीकों में सही है उस चीज की यकीन दहानी आप कर लो उस चीज की यकीन दहानी कर लो तो यहां हमारे आ जाते हैं अब यहां हमारा एसोर्सन वाला मेथड कंप्लीट हो जाता है अब रिटोरिकल क्वेश्चन इसी का और एक सब पॉइंट है रिटोरिकल क्वेश्चन वो क्वेश्चन जो एक टीचर वो ये रिटोरिकल क्वेश्चन कहाँ आ जाते हैं ये हमें ये रिटोरिकल क्वेश्चन हमें लोकेशनरी मेथड में आते हैं लोकेशनरी सुपीचेक्ट में आ जाते हैं ये लोकेशनरी स्पीच एक्ट मैंने अभी बताया कि जो वो मेथड जहाँ पे जो क्वेश्चन आ जाते हैं उन क्वेश्चन को नह, ना ही पूछे तो ठीक है क्यों क्योंकि उनका आंसर खुद को पता होता है वो ऑलरेडी समझ चुके होते हैं ऐसे ऐसे सही क्वेश्चन जो होते हैं तो एक्सपर्ट डिक्शनरी के हिसाब से रिटोरिकल या रिटोरिकल ये जो टेक्निक है इसको वो कहते हैं इफेक्टिव यूज ऑफ लैंग्वेज एस्पेशली इन स्पोकन एंड रिटर्न तो रिटोरिकल क्या है रिटोरिकल अगर देखेंगे या फसीुभ बलीग सही जबान सही तरीका सही पूछने लिखने या बोलने का तरीका क्या इसीलिए इफेक्टिव यूज ऑफ लैंग्वेज सही तरीका किसका लैंग्वेज का यूजेज में लाने के लिए एक सही तरीका एस्पेशली किसके लिए पर्टिकुलरली फॉर विच पर्टिकुलरली इन स्पोकन एंड रिटर्न मेथड दो चीजों के लिए खास तौर पर रिटोरिकल जो लैंग्वेज ये पॉइंट है रिटोरिकल टेक्निक जो है ये हमें लैंग्वेज में सिर्फ दो चीज़ों पे ज्यादा जरूरत पड़ती है दो चीज़ों के लिए ज़्यादा ज़रूरी है इफेक्टिव है एक तो स्पोकन में एक रिटन में द टेक्निक दिस आल्सो नोन फॉर परसुवेशन इन औरल कम्युनिकेशन और ये टेक्निक ज़्यादा तौर मानी जानी जाती है किस में जब हम परसू कर रहे हैं औरली जब हम किसी चीज़ को परसुवेशन दे रहे हैं वजाहत कर रहे हैं किसी चीज़ के बारे में दिस मेन फंक्शन ऑफ यूजिंग दिस द मेन फंक्शन ऑफ यूजिंग दिस टेक्निक इन औरल कम्युनिकेशन इज कन्वेंस इसकी मेन टेक्निक जो है मेन मोटिव जो है इसको रिटोरिकल को कि ये जो कम्युनिकेशन मेथड है उसमें सबसे पहले हम कन्वेंस करना आ जाता है ओके okay? इन्फुलेंस करना आ जाता है हाउ मच यू इन्फ्लुंस द पीपुल कितना असर अंदाज करोगे लोगों को कितना खुश करोगे लोग आपके ऑडियंस जो है वो जो ग्रुप ऑफ लिसनर्स आपके पास है ये रिटोरिकल टेक्निक ऐसी आप उनको कैसे कन्वेंस करोगे उनको कैसे इंप्रेस करोगे उनको कैसे खुश करोगे उनकी बात मतलब कि जो मानो कि आप मुझे अभी सुन रहे हैं मुझे आपके हर एक यहां है ना इमोशंस इमोशंस का ख्याल रखना है क्यों मुझे आपको ऐसे समझाना है ऐसे कन्वेंस करना है भाई रिटोरिकल क्या है कि आप समझ जाए मुझे बिल्कुल आपको असर अंदाज़ बनाना है ये लेक्चर मुझे आपको पढ़ते पढ़ते ये चीज़ों का ध्यान भी रखना है आप बोर ना हो जाए खुश रहें इसीलिए रिटोरिकल के बारे में लिंग्विस्टिक्स का यही उनका कहना है ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी का भी यही कहना है इफेक्टिव वे ऑफ लैंग्वेज पर्टिकुलरली स्पोकन एंड रिटर्न वेज ऑब्जेक्टिव ए रिटोरिकल क्वेश्चन इज ए क्वेश्चन फॉर विच नो आंसर इज एक्सपेक्टेड तो रिटोरिकल क्वेश्चन क्या है ऑब्जेक्टिवली हो गया हमारे पास अपने तौर तरीके से या हमारे पास क्या है महसूस हालात हालात जो हम क्या करते हैं हालात मफूल महसूस जो हम महसूसन कहेंगे ऑब्जेक्टिवली रिटोरिकल क्वेश्चन का क्या है विच फॉर विच नो आंसर इज एक्सपेक्टेड ये ऐसे क्वेश्चन है जिनका हम आंसर एक्सपेक्ट नहीं कर सकते वही होता है और वो पता होता है हमको रिटोरिकल क्वेश्चन इज आस्क टू ले हम क्वेश्चन इस तब इस्तेमाल करते हैं कब जब हमें किसी चीज पे जोर देना पड़े सम पॉइंट विच हैजरेडी बीन डिस्कस कुछ पॉइंट्स पे जो ऑलरेडी डिस्कस हुए हैं अभी हमारा लोकेशनरी मेथड डिस्कस हुआ है अभी मुझे कोई बोलेगा सर लोकेशनरी मैथड जो है उसमें हम एक अच्छे तरीके से बात करते हैं और रिटोरिकल और लोकेशनरी में तो कोई फर्क अब नहीं है यह जाहिर सी बात है हम खुद पढ़ रहे हैं इसको कोई फर्क हमें नजर नहीं आ रहा है रिटोरिकल भी हो गया इफेक्टिव वेज इन स्पीकिंग रिटर्न लैंग्वेज लोकेशनरी भी हो गया वही अब इसका ऑटोमेटिकली एक्सपेक्टेड आंसर क्या है खुद है ना पता इसीलिए यहां पर ऑलरेडी बीन डिस्कस जो चीज पहले ही डिस्कस हुई हो उसी चीज को फिर से दोहराने के लिए हम किसी दे रहे हैं। And speaker could not find an obvious answer. अब एक बार आपको समझा लिया किसी चीज से अब दूसरी बार वही चीज समझाने के लिए कोई दूसरा आंसर ढूंढना है इसीलिए कुड नॉट फाइंड आ रहा है एन ओव्यस आंसर तब वो दूसरा आंसर इसी लिहाज का दूसरा आंसर कैसे देगा बोले ये हमारे पास अभी एक गिलास है ओके ये हमारे पास गिलास है ये रिटोरिकल है हम मैं गिलास बना लेता हूं इसको ठीक है इसमें मैंने पानी डाल दिया अब सबको पता है गिलास में पानी है और सर ने भी कहा भाई गिलास है और इसमें पानी है ये गिलास है शीशे का अब बच्चे को भी पता है गिलास है वो फिर बोलता है सर इस गिलास को क्या कहेंगे ये किससे बना है वो तो यार शीशी से ही बना है ना सर इसमें क्या है भाई ये पहले ही बताया ना इसमें वाटर है अब वाटर को कैसे आप समझाओगे दूसरा आंसर देकर गिलास को कैसे इसको एनालाइज करोगे तो भी जाके आया है कुड नॉट फाइंड एन ऑबियस आंसर ओके मोस्ट ऑफ द लिंग्विस्टिक्स बिलीव दैट ए रिटोरिकल क्वेश्चन इज ऑस्कर बहुत सारे जो लिंग्विस्टिक्स हैं लैंग्वेज के बारे में नॉलेज रखने वाले लोग आते तो उनका क्या है कहना है रिटोरिकल क्वेश्चन इज आस्कर आर रेज वेन द सुपीकर हिमसेल्फ नोज द आंसर ये तभी यह क्वेश्चन उठता है जब स्पीकर बोलने वाला खुद उस चीज के बारे में नॉलेज रखता हो एक्स्ट्रा नॉलेज रखता हो तब यह क्वेश्चन उठते हैं अदरवाइज कोई क्वेश्चन नहीं उठेगा ही डज नॉट डिमांडेड और वो वो चाहेगा नहीं क्यों देखो मेरे पास दो सवाल हैं अभी एक सवाल है टू आंसर मैंने आपको पढ़ाना है ये सब अब आप समझ गए हो तो अब मुझे पता है ना आप समझो तो क्यों मैं दूसरी बार आपको यही चीज अंग्रेजी में बोलकर बोलू वेन यू all हैव learned दिस assertion मेथड एंड दिस rhetorical क्वेश्चन नाउ वट इज द फन टू रिपीट द सेम थिंग इन अनदर लैंग्वेज जब आप पहले ही ये चीज अंडरस्टैंड कर गए हो तो अब क्या जरूरी है दूसरे जबान में इसको समझाना मैं तो नहीं चाहूंगा ऐसा ये कोई टीचर नहीं चाहेगा भाई बच्चे को एक बार समझा लिया अब उसी बच्चे को वही कंसेप्ट उर्दू में बोलकर समझाओ अरे यार इसने समझ लिया क्या जरूरत है इसीलिए बता रहा है कि वो नहीं चाहता फिर कौन जो भी आपको स्पीकर है वो नहीं चाहता कि ये फिर से रेपिटेशन हो जाए द एक्सपेक्टेड आंसर इज यूजली इन यस एंड नो और एक्सपेक्टेड आंसर खान होता है यस yes, नो no में अब हमारे पास कुछ एग्जाम्पल है इसको हम देख लेंगे डू यू हेयर मी जाहिर सी बात है आप मुझे सुन रहे हो अगर नहीं सुनते तो शोर किया हुआ तक, अब तक देखो हम क्लास में हैं समझो हमारे पास क्लास में 40 बच्चे 50 बच्चे हैं 100 बच्चे हैं अब सब लोग ध्यान से सुन रहे हैं टीचर को पता है भाई सब लोग ध्यान से सुन रहे हैं सब सुन रहे हैं वो खुद भी सुन रहे हैं उनकी आवाज अपने अब ये क्वेश्चन तो उसका आंसर पता है इसी तरीके से ये रिटोरिकल क्वेश्चन आते ये और एक क्वेश्चन वाई नॉट आई यू टू पिड रिटोरिकल क्वेश्चन ये हो गए एसर्टिव वाले ये हो गए नेगेटिव वाले इंट्रागेटिव वाले वाई डू वी गो ऑन देर इज नो होप इज देर वाई मी बट हु इज काउंटिंग वाई ब्रदर हु केयर्स ये क्वेश्चन ये रिटोरिकल में आ जाते हैं और कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो हम अक्सर बेहतर इन पे इन पे हम स्ट्रेस दे देते दे हैं इन इनके हम यहां जोर दे देते दे हैं एम्पिसाइज कर लेते हैं क्यों इज रेन वेट क्या क्या जो बारिश हो रही है गीली है इसी तरीके से ये क्वेश्चन जो है डू यू वॉन्ट टू बी बिग फेलियर फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ कोई चाहेगा नहीं ऐसा कैन फिश स्विम कैन बर्ड्स फ्लाई

के लिए किसी चीज को एम्फिसाइज करने के लिए यह ऐसे क्वेश्चन है, है। यह तो इनका आंसर पता ही है अब यह रेन वेट है कि नहीं है ये सब को पता है हर एक को पता है वो जिंदगी में पास होना चाहता है ना कि फेलियर हर एक को पता है फिश स्विम हर एक को पता है बर्ड्स फ्लाई हर एक को यह चीज भी पता है डॉग्स बार हर एक को यह भी पता है कैट्स में और हर एक को यह भी पता है कोई पॉइंट देर इज नो पॉइंट इज देर कोई जब बात होती है इसमें कोई पॉइंट है कि नहीं है जब डिस्कशन फुल हो जाए हर एक को यही पता है इज देर एनी वन स्मार्टर देन मी खुद से दूसरा इंसान कोई किसी को स्मार्टर नहीं समझता ये बात आप याद रखें आप तो हम तो कहते हैं ये हमसे बेहतर है लेकिन नेचर अगर मैं देखेंगे नेचर कुदर, कुदरती तौर पर अगर हम देखेंगे तो हर कोई अपने आप को हर एक से स्मार्टर समझता है स्मार्टर देन अदर पीपल दूसरे लोगों से हर एक अपने आप को चालाक शातिर सब कुछ समझता है नेक्स्ट टाइम ये कर लेंगे तो इस तरीके से ये एग्जांपल्स वन मोर पॉइंट इज टैग्स आर आल्सो यूज्ड फॉर रिटोरिकल कभी कभार हम टैग्स यूज करते हैं टैग्स और ये टैग क्या है आपको अगर पता नहीं है तो मैं बोल ये टैग होता है क्वेश्चन टैग इज हार्ड टूडेट हम कहते हैं ना क्या गर्मी बाहर है क्या वाकई में गर्मी है स्टूडेंट्स आर प्लेइंग चेस आरंट देखो इज हॉट टूडे क्या गर्मी है एजेंटेड क्या पूरी गर्मी नहीं है स्टूडेंट्स आर प्लेइंग चेस आरंट दे स्टूडेंट्स चेस खेल रहे क्या वो नहीं खेल रहे हैं ये ये इधर याद रखें आप ये हो गया क्वेश्चन टैग इधर भी ये क्वेश्चन टैग है कभी कुबार हम ये क्वेश्चन टैग यूज क्वेश्चन टैग्स याद रखना ये क्वेश्चन टैग है टी आई जी क्वेश्चन टैग्स कब रिटोरिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं वेन ए रिटोरिकल क्वेश्चन वुड बी आस्कर कब एक रिटोरिकल क्वेश्चन पूछा जाता है कभी ये रिटोरिकल क्वेश्चन ना मतलब या क्वेश्चन टैग के बारे में बात करें तो एक्चुअली पूछने वाले को आंसर पता होता है जब वो पूछता है जरा एग्जाम्पल दे देंगे ये एग्जाम्पल हम देख लेंगे हर दैट शी शी इज एंड एंड शोज हिम द प्रेगनेंसी टेस्ट यहीं तक देख लो आंसर खुद पता चल रहा है एक वुमेन अपने हस्बैंड को कह रही है कि मैं प्रेग्नेंट हूं और ये रहा प्रेगनेंसी टेस्ट वो तब भी उसको बोलता है क्या आर यू सीरियस क्या सीरियस है अरे भाई आपके पास टेस्ट है आपको पता चला शी इज चलाट देन व्हाट इज द फन ऑफ आस्किंग दिस कोई बोलता है ना भाई ऐसा होने वाला है दूसरा कहता है अरे सीरियस उसको पता है ना अब ऐसा होने वाला है उसने देखा है इसी तरीके से ये वाली एग्जांपल है जब औरत को पता है मर्द को पता नहीं था इसने टेस्ट देख लिया अब अब इसको भी यकीन हो गया शी इज प्रेगनेंट तो अब ये क्यों पूछ रहे हो इसीलिए समटाइम्स ये रिटोरिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं चाइल्ड इज आस्किंग फॉर वेरी एक्सपेंसिव टॉय हिज पेरेंट सेज डू यू थिंक दैट मनी जस्ट ग्रो ऑन ट्रीज एक बच्चा घरवालों से मम्मी पापा से पेरेंट्स से क्या पूछ चाहता है एक महंगा टॉय उसके बाप उसे कहते हैं क्या आपको लगता है पैसे पेड़ों से उगते हैं अरे ये किसी को पता सबको पता है ना पेड़ों से मेवे गर, उगते हैं पेड़ों पे मेवे उगते हैं पेड़ों पे कुछ और फल उगते हैं पैसे तो आज तक हमने नहीं देखा हाँ इनडायरेक्टली पैसे ही बनते हैं मेवे खरीदो तो पैसे लेकिन पैसा कभी पेड़ से नहीं होगा इस तरीके से और एक क्वेश्चन है टू मैन आर हैविंग ए डिसग्रीमेंट इन इन बार एक दो आदमी बैठे हैं बार में शराब खाने में और उनको किसी चीज पे तो तू मैं हो गई डिसएग्रीमेंट मीनस दे आर नॉट एग्री टू वन अनदर एक कहता है दूसरे को क्या आप चाहते हैं कि मैं आपको पंच मारूं आपके चेहरे पे तो इसका मतलब आप झगड़ा क्यों मोल रहे हो वरना फिर झगड़ा हो जाएगा हम ये कर लें रिटोरिकल क्वेश्चन कैन इन आइदर दर ए क्वेश्चन मार्क आर ए साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन और रिटोरिकल क्वेश्चन कभी एक क्वेश्चन मार्क होता है कभी ये एक्सक्लेमेटरी मार्क होता है तो यही बात मैंने आपको बताया था एलोकेशनरी मेथड क्ट में एलोकेशनरी सुपीचेक्ट में हमारे पास एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस भी आ गया हमारे पास एसोटिव भी आ गया तो यहां पर इंट्रागेटिव भी आ गए और यहां पर हमारे पास इंट्रागेटिव एंड एसोटिव है कहां पर रिटोरिकल में हम कभी कभी क्या पूछते हैं क्वेश्चन पूछते हैं कभी हमारा एक्सक्लेमेशन रहता है डिपेंड करता है किस पे ये डिपेंड करता है स्पीकर का पर्पज क्या है ये मैं सिर्फ पढ़ता हूँ आप गुरुनफ है आप इन चीजों को कवर कर लेंगे यहाँ पर हाउ कैन आई एवर थैंक यू एनफ मैं कैसे आपको बहुत ज्यादा शुक्रिया अदा करूँ देयर एनी वे ऑन दिस अर्थ आई कैन एवर गेट माई फादर्स अप्रूवल कोई और रास्ता है इस दुनिया में जिसे मैं मेरे पापा का अप्रूवल हासिल करूं एम्ब्रेसमेंट क्या बदवानी है टेरिबल इट इज कितना खौफनाक है हाउ वट ए मैच ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस है ये भी एक्सक्लेमेटरी है ये भी एक्सक्लेमेटरी ये जहाँ हमारी हैरानगी होती है और हमारे पास ये फिगरेटिव फिगरेटिव लैंग्वेज में जब हम यूज करते हैं फिगरेटिव लैंग्वेज यूज करते हैं कौन पोइट्स पोइट्री में यूज ओ विंड इफ विंटर कम्स यहाँ जॉन कीट्स की शायद ये है ओ विंड oh तो यहां हमारे आथर जो है वो कहते हैं विंड को वो कहते हैं ए तूफान ए हवा अगर विंटर आया क्या स्प्रिंग भी आने वाला है क्या सुपरिंग इसके पीछे आ रहा है विल नो वन मी क्या मुझे कोई नहीं बोलेगा वो क्या गा रही है शी सिंग्स ये फिगरेटू लैंग्वेज है उसने ना देखा है ना उसके पास गया है ये ये सब फिगरेटू लैंग्वेज है वट मेड यू थिंक ऑफ लाव किसने आपको लाव के बारे में सोचना सिखाया किसने टीयर्स किसने बर्थ और किसने डेथ किसने पेन इस सब के बारे में आपको किसने नॉलेज दी यह ऐसे फिगरेटिव लैंग्वेज है जो हम बातों वाली या जो हम एज फिगर्स में यूज करते हैं देरफोर देरफोर कीपिंग इन व्यू दैट रिटोरिकल क्वेश्चन कैन बी आस्कर फॉर वेरियस परपजेस इस सब को इस डिस्कशन को मद्देनजर रखकर आई आर वी कैन से हम ये कह सकते हैं जो रिटोरिकल क्वेश्चन हैं, ये कब कैन बी आसकर कब हम पूछेंगे फॉर वेरियस परपजेज बहुत सारे परपजेस के लिए रिटोरिकल क्वेश्चन हम पूछते हैं बट देर इज नो सेट आंसर टू सच क्वेश्चन कभी कभार इनके लिए आंसर सही तरीके से भी नहीं मिलता है या आपको मिला हुआ है लेकिन आप दूसरे तरीके से चाहते हो लेकिन नहीं मिल रहा है ऑरेटर्स और स्पीकर जो ऑरेटर है और स्पीकर है ऑरेटर जो पब्लिकली स्पीक करता है और जिसकी ऑरेशन ऑरल मेथड ठीक हो जिसका ऑरेशन बहुत अच्छा है ऑरेटर होता है एक एक गुड ऑरेटर वो होता है जो जिसकी कम्युनिकेशन सक्सेसफुल रहती है और स्पीकर्स में हम सब आ जाते हैं ऑरेटर में कम लोग आते हैं क्योंकि पब्लिकली बहुत अच्छा बोलने वाले कम लोग हैं बहुत अच्छों की प्रोनाउंसिएशन कम है है तो बहुत लोग लेकिन प्रोनाउंसिएशन बहुत सारी चीजें हैं जो देखी जाती हैं। यूज रिटोरिकल क्वेश्चंस टू एम्पिसाइज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑरेटर्स या speakers? ये क्या करते हैं ये रिटोरिकल क्वेश्चंस पे ज्यादा स्ट्रेस करके क्यों क्योंकि इंपॉर्टेंस टू बी डिस्कस इन दियर स्पीच उनकी जो स्पीच है उसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है आर टू प्रॉम्प्ट लिसनर्स टू इमेजिन द आंसर और किन को और ये लिसनर्स को क्या कर रहे हैं लिसनर्स को ये आमादा करते हैं तैयार करते हैं किस लिए इसका आंसर आप इमेजिन कीजिएगा किसका इसका आंसर आप इमेजिन कीजिएगा जो आप में क्वेश्चन में दे रहा हूं रिटोरिकल क्वेश्चन तो आज हमारे लेक्चर में हमने डिस्कस किया एक तो हमारा लोकेशनरी स्पीच एक्ट हमारे एसोरशन में एक आता है हमारा एसोरेशन में आया हमारा लोकेशनरी एक्ट दूसरा आया हमारा एलोकेशनरी एक्ट तीसरा हमारे पास आया पर लोकेशनरी एक्ट उसके बाद हमने रिटोरिकल क्वेश्चन डिस्कस किए उन रिटोरिकल क्वेश्चंस को हम किस तरीके से बोलते हैं उनमें क्या क्या है वो हमने डिस्कस किया यहाँ तक हो गया हमारा रिटोरिकल क्वेश्चंस में फिगरेटिव लैंग्वेज भी यूज होती है और हम कल आगे ये, इस वाले लेक्चर में ये कंटिन्यू करेंगे एक्सक्लिमेशन क्या है